الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا فهما رب زدنا عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ अल्लाह सुबहानहु व ताला दी हमदो सना दे बाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी साते गिरामी थी। अहबाब सामईन और मुअज्जज़ सामियात, कुरान पाक दी एक आयत मुबारक चौथे सिपारे चो मैं गुनाहगार ने तिलावत कीती है। एदा तर्जमा माना मतलब मफहूम
मैं समझाने की कोशिश करांगा, दुआ है कि अल्लाह मैनू तुहानू समझ के मन के अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, एक है कुरान पाक का हुक्म और एक अल्लाह दे कुरान दी दित्ती हुई खबर। तवज्जो मेरे अल करो, जुमतुल मुबारक का जिहड़ा खुतबा हुंदा है ना, इंतहाई अदबो एहतराम नाल सुनी दे, बैठन का आदाब भी मलहूज़े खातर होए, सुनन का तरीका भी ठीक होए, तवज्जो भी पूरी होए, फिर बात समझ दे अंदर आती है। थोड़ी आवाज़ खोलो कर सकते, मैं अर्ज़ किया एक अल्लाह दे कुरान दा हुक्म और दूजी है अल्लाह दे कुरान दी खबर। कुरान पाक दा हुक्म जदों आ जाए उदे ते अमल करन दे अंदर कुछ सुस्ती हो जाए, बंदा दायरा इस्लाम चों खारज नहीं होंदा। लेकिन जड़ी कुरान पाक ने खबर दिती है उदे मुतालिक बंदे दे दिल विच राई दे दाने बराबर भी मैल कुचैल शक शुभा आ जाए, बंदा दीने इस्लाम चों खारज हो जाता है। कुरान पाक ने खबर दिती है व इन कानो मिन कबलो लफी जलाल मुबीन। अल्लाह ने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तशरीफ आवरी तो पहले कायनात दे लोग चिट्टे नंगे गुमराह सन। ये कुरान पाक दी खबर है कि आप दी आमद तो पहले, आप दी वलादत बा सआदत तो पहले, आप दी तशरीफ आवरी तो पहले तुसी जलाले मुबीन विच सो, राह भुले हुए सो, भुल भुलेखियां विच पै सो। मैं अपना सोना नबी भेजिया ते उन्हें ऐसी तालीम दिती, ऐसा इनकलाब लिया कि आप दी तालीम दी बरकत दे नाल अल्लाह पाक ने जड़े राहों भुले सन उन्होंने जन्नत दे रास्ते पा दिता। और उस दौर दे डाकू चोर ठग लुटेरिया नू कौमां दे इमाम और जनता दे वारस बना दिता है। हजरात, गुमराही तो मुराद शिरक दी गुमराही, अखलाकियात दी गुमराही, अल्लाह दा कुरान दसदा है कि उन्हां लोगां दे अंदर जिन्हां दे अंदर आप तशरीफ ले आए अखलाकी एतबार दे नाल, रख रखाओ दे एतबार दे नाल, मजहबी एतबार दे नाल, दीनी हवाले दे नाल, रूहानी हवाले दे नाल, अखलाकी हवाले दे नाल बहुत ज्यादा पस्ती पाई जाती सी, अल्लाह तो दूरी पाई जाती सी। आपने ऐसी तालीम, ऐसी दावत और ऐसा दरस उन्होंने अंदर लिया कि जिदी वजह तो बड़े बड़े नाम जड़े सुनते हो ना,
इस सोहने नबी दे आन तो बाद ही सारे शाना वाले नाम बने ने। अबू बकर तो सिद्दीक बने हैं ते आप दी आमद तो बाद, उमर तो फारूक बने ने ते आप दी आमद तो बाद, उस्मान तो जुनुरैन गनी बने ने ते आप दी आमद तो बाद, अली उल मर्तदा हैदर करार असदुल्ला बने ने आप दी आमद तो बाद, गसील उल मलाइका बने ने ते आप दी आमद तो बाद, सैयद शुहादा बने ने ते आप दी आमद तो बाद, हसनो हुसैन जन्नत दे नौजवाना दे सरदार बने ने ते आप दी आमद तो बाद, अल्लाह पाक ने नबी पाक दी आमद तो बाद उम्मत दे अंदर ऐसा इनकलाब लिआंदा है, आप सरकार ने ऐसी दावत लांच की है जेड़ा जेड़ा भी उस दावत नू मनदा गया है सोने दे करीब आउंदा गया है, जेड़ा नबी पाक दे नेड़े आया है अल्लाह ने उन्हों अपनी जन्नत दे नेड़े कर दिता है। और एक कुराने पाक ने खबर दीती है, कुराने पाक का चौथा सिपारा है, अल्लाह पाक ने फरमाया फरमाया वज करो इज कुन तुम आदा अन فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे सोने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा इन्हां नूं ओ वक्त याद करवाओ, वो वादा याद करवाओ, वो टाइम याद करवाओ। अल्लाह आंदे ने उस वेले दियां गल्लां इन्हां नूं याद करवाओ, इद कुल तुम आदा अन, जदों एक दूसरे दे जानी दुश्मन सो, एक दूसरे दे माल दे वैरी सो, अल्लाह फरमांदे ने एक दूसरे नाल अदावता रखण वाले सो, अल्लाह आंदे ने फास वाह तुम बेनेमती ही इखवाना, असा अपनी नेमत की है और ये नेमत केड़ी है, फरमाया हुमल्लजी अय्यादाका बेनसरही व बिल मुमिनी, अल्लाह ने ये मेरी नेमत है कि मैं लोगों के दिलों के अंदर अपना सोना नबी भेज के नेमत मुस्तफा भेज के लोगों के दिल जोड़ दिते, लोगों के दिल अंदर प्यार पैदा कर दिता है, जड़िया सालों लड़ाइया सन मैं अपनी नेमत अता करके मुहब्बत अंदर तब्दील कर दतिया ने, नफरत मुहब्बत अंदर बदल गई, दुश्मनियाँ जड़िया ने ये प्यार से मुहब्बत अंदर तब्दील फरमा दी है, अपनी नेमत दी वजह तो। अल्लाह पाक दा कुरान आंदा लौ अनफक्ता मा फिल अर्दी जमीआ मा अल्लफता बैना कुलूबिहिम, अल्लाह ने जमीनो आसमान दियां दौलतां अगर तुसी खर्च कर दे हो लेकिन अल्लाह ना चाहे ते मुहब्बतां दिलां विच कोई पा सकदा नहीं, जे पै सकदियां, वला किन अल्लाह अल्लफ बैनाकुम, अल्लाह चाहे ते आपस अंदर प्यार पैंदा है, अल्लाह चाहे ते दुश्मनियां मिट जांदियां ने, अल्लाह मिटाना चाहे आपस दियां नफरतां खत्म हो जांदियां ने, वलाकिन अल्लाह अल्लाह बैनाकुम, ते अल्लाह पाक ने तुहाडे उत्ते करम कीता है, अल्लाह ने अपनी रहमत कीती है, बरकत कीती है, अपनी नेमत कीती है कि अपना सोना नबी अता कीता है जिन्ने इनकलाब लिआंदा है और कौमा दे अंदर जनाब आपने ऐसी तब्दीली पैदा की है कि डाकुआ नू जनाब माल दे मुहाफिज बना दिता है, उन्हां रहज़ना नू अल्लाह ने जनता दे वारस बना दिता है। आइए सुनिए ध्यान नाल कि अल्लाह पाक दा कुरान की आंदा है, फरमाया वा ए कानो मिन कबलु लफी दलाल मुबीन,
अल्लाह ने मेरे सोने तो पहले तुसी वादे गुमराह सो भुल भुले के अंदर पैसो। अल्लाह का कुरान दसदा है एहो जिहा भुल भुले के ते एहो जिहा गुमराहियां कोई भी तबका जिहड़ा है उहदे अंदर अखलाकियात नहीं सन, जिहदे अंदर गुमराही नहीं, कोई ऐसा तबका नहीं। जे मजहबी लिहाज नाल वेखो एक पासे यहूदी वसदे ने और आंदे की ने उज़ैर अल्लाह दा पोते, एक पासे ईसाई रहिंदे ने उह आंदे ने ईसा बिन मरियम अल्लाह दे बेटे ने और मरियम नाउज़ुबिल्ला अल्लाह दी बीवी ते अल्लाह दा हिस्सा बना दिता है, अल्लाह दा जुज बना दिता है। एक पासे मक्के वाले ने ते मक्के वाले बुतां नू पूजदे ने ते नाल की आंदे ने ए फरिश्ते अल्लाह दीआं तीआं ने। हज़रात सुनिए ध्यान नाल ते दावा तिन्ने ही करदे ने, असी इब्राहिमी आ, असी इब्राहिम दे मन्नण वाले, असी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे पैरोकार, असी इब्राहिमी दीन ते चल रहे हैं। अल्लाह पाक ने किवें बयान फरमाया, फरमाया कातलकुमुल्लाह, अल्लाह ने यहूदियो बदबख्तो तुसी बर्बाद हो जाओ, तुसी उज़ैर नू मेरा हिस्सा बना दिता है, वो ते मेरा नबी सी, वो ते मेरा प्यारा सी, वो ते मेरा बंदा सी। रब आंदा है ओ ईसाईओ तुसी बर्बाद हो जाओ, कातलकुमुल्लाह, ईसाईओ तुसी बर्बाद हो जाओ, यहूदियो तुसी बर्बाद हो जाओ, तुसी इन्हां नू मेरा हिस्सा बना दिता है। अन्नायो फकून, ओ किधर भुले जांदे हो, किहड़े राह तो भटके जांदे हो। अल्लाह दे नाले आंदे हो फरिश्ते अल्लाह दियां बेटियां, नाले आंदे हो ईसा अल्लाह दा पुत्र है, नाले आंदे हो जनाब उज़ैर अल्लाह दा बेटा है, ते नाल आंदे हो इब्राहिमी आ। रब आंदा ना ना सुन लो, मा काना इब्राहिम, मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वला किन काना हनीफ मुस्लिम वमा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह ने मेरे सोने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आ सोनिया तू इन्हां नूं दस, मा काना इब्राहिम यहूदियन, मेरा इब्राहिम यहूदी नहीं सी, मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन, वो नसरानी नहीं सन यानी ईसाई नहीं सन, ईसा नूं अल्लाह दा पुत्र नहीं सन मनदे, वला किन काना हनीफम मुस्लिमा, मेरा प्यारा इब्राहिम ते कल्ले अल्लाह दी इबादत करन वाला सी, अल्ले कल्ला नूं कल्ले अल्लाह नूं सजदा करन वाले सन, अल्लाह कल्ले दे सामने अपनी जबीने न्याज झुकाने वाले सन। वमा काना मिनल मुशरिकीन, ते सुनिया ए जड़े मक्के दे मुजावर ने, ए मक्के दे जड़े बैतुल्ला दे मुतवली ने, इन्हां नूं भी दस दिओ तुसी आंदे हो असी इब्राहिमी आ। रब आंदा ना ना तुसी बुत पूजदे हो, ते मेरा इब्राहिम मुशरक नहीं सी, माणा की है मेरा इब्राहिम बुतां नूं पूजण वाला नहीं, मेरा इब्राहिम लात दी इबादत करन वाला, मेरा इब्राहिम मनात नू मनन वाला नहीं, मेरा इब्राहिम उज़्ज़ा ते हुबल नू नहीं मनदा। अल्लाह पाक दा कुरान की आंदा है, फरमाया ए लोगां दी मजहबी कैफियत है, अपना अपना रब बनाया है, पुत्र दा अपना रब है, बाप दा अपना रब है, घर दे अंदर अपना रब है, बाहर जाना है ते अलहदा रब है, बारिश पाण वाला अलहदा रब है, जनाब जंग अंदर मदद करनी है ते अलहदा रब है, बारिश बरसाण वाला अलहदा रब है, फसलां उगाण वाला अलहदा माबूद है, जंगल पार करन वाला अलहदा रब है। फरमाया कुल सुनिया तू कह दियो, सुनिया तुसी ऐलान कर दियो, कुल हो अल्लाहु अहद, कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाह कल्ला ही है, बोलो बोलो अल्लाह, सजदे दे लायक अल्लाह, न्यासां दे लायक अल्लाह, जंग अंदर मदद करने वाला अल्लाह,
कल्ला ही है, ओदा कोई भी शरीक नहीं, ना ओदी अम्मी है, ना ओदा अब्बू है, ना ओदे कोई रिश्तेदार ने, ना ओदी कोई बरादरी है। वलम यकुल्ला हू कुफुवन अहद, ओदा खानदान कोई नहीं, ओदा कबीला कोई नहीं, ओ कल्ला ही है, ओ वाहदा हूला शरीक है। आइए सुनिए ध्यान नाल, ये दावत मेरे पैगंबर ने जो दिती है, ऐसा इनकलाब ले आंदा है। ओए लोकी पूजदे सन पे हजरानू, हजर कहिंदे ने पत्थर नू, हजर किनू कहिंदे ने पत्थर नू। ओए लोकी पूजदे सन पे हजरानू, कोई हजरानू कई शजरानू, उना दर दर दे पुजारियानू, एक दर ते सोना झुकान आया, कायनात दा सोना इमाम आया, कायनात दा कल्ला इमाम आया, वो जिदे लबां दे उत्ते रब बोल दाए, सोना रहमत मोती रोल दाए, और ओदा बोलना रब दा कलाम आया, कायनात दा कल्ला इमाम आया। अल्लाह पाक ने फरमाया है, ओ दुनिया कायनात दे लोग, इस तरह तुसी गुमराह सो, वाइल कानू मिल कबलो लफी दलाल मुबीन। इस तरह दे गुमराह, ओ वड़े वड़े नाम, बड़िया बड़िया शाना वाले हजरात, नाम सुनिया होना सैयद ना उमर रजी अल्लाह तआला, किड्डा वड्डा नाम है। अल्लाह पाक ने किन्नी शान अता की है, जिथों मेरे नबी का यार उमर लंघदा शैतान और राम ही बदल जाता है। अल्लाह अकबर, अजे कलमा नहीं पढ़िया ते कैफियत की है, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दा ए जानिसार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दा ए परवाना। एक दिन सफर ते निकले ते अपना रब घर भुल गए, अपना माबूद घर भुल गए, जिन्हों सजदा करना कल घर ही भुल गए, जिन्हें जंगल पार लंघाना सी घर ही भुल गए। जो जंगल करीब आया, एक सत्तुआं दा रब बनाया, पानी विच पाया ते रब बना लिया, और कहन लगे बाबा जी तुहाडी मेहरबानी है, मैं जंगल पार करना है, मेरी मदद करो। जंगल पार कर गए, एक जिंदगी है ते एक ओ जिंदगी है, जदो मेरा सोना नबी आया, जदो आमिना दे दुर्रे यतीम आए, फिर आप दा कलमा पढ़े आए। ये कोई उमर बिन खताब इंज जनाब बैतुल्ला दे चक्कर ला रहे, बैतुल्ला दा तवाब पे कर देने, जदो हजरे असवद दे कोल आए, बोसा देन लगे, की करन लगे, ते बोसा देन लगिया इंज जरा झुकना पैंदा है, थोड़ा जा नीवा होना पैंदा है, बोसा देन लगिया थोड़ा जा नीवा होके चुमना पैंदा है। जनाबे उमर रवी अल्लाह तआला अनोखी आंदे ने, या हाजर ओ पत्थर, हालांकि आम पत्थर नहीं, बोलो बोलो, ए आम पत्थर, ए आम पत्थर नहीं, ए पत्थर जन्नत चो आया है, जन्नती पत्थर है। ते प्यारे उमर की आंदे ने, या हाजर ओए पत्थर, मैं जानना इन्ना का हजारों, तू एक पत्थर है। यार बंदा मोमन होए, कलमा पढ़िया होए, इन्हां दे पता होना चाहिए ना, जिन्हों सजदा करन लगा यार इंसान है, इन्हां कम से कम तो इलम होना चाहिए ना, भी मैं कलमा पढ़िया कमली वाले दा, ते जिदे सामने मत्था टेकन लगा, ये ते ढेरी है, ये ते कबर है, कम से कम यार इन्हां दे ख्याल होना चाहिए। प्यारे उमर रजी अल्लाह तआला अनुआंदे ने, या हाजर, मैं समझना मैनू पता है, मैं जानना तू एक पत्थर है, ला तनफाउनी वला तसुरुनी, ना तू मेरी मदद कर सकना है ते ना तू मेरा कोई नुकसान कर सकना है।
हजरे अस्वद नू मुखातब हो रहे ने, ना तू मेरा कोई नफा दे सकना है ते ना नुकसान कर सकना है। हां मैं तेनू कदे ना चुमदा जे मैं कदी आमिना दे लाल नू चुमदिया ना वेंदा। ऐ इनकलाब आया मेरे नबी दी दावत तो बाद, आप दी तालीम तो बाद फिर ऐ इनकलाब बरपा होया। अल्लाह ने मेरे नबी नू इनकलाबी इमाम बनाया, इनकलाबी इमाम। अल्लाह अकबर कबीरा, कितने बड़े इनकलाब बरपा करने वाले मेरे सोने मुस्तफा जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दी आमद तो पहले मावां नू वेचिया जांदा है, जिवें बंदे दी जमीन तकसीम हुंदी है, आप दी आमद तो पहलां इवें मावां तकसीम हुंदियां ने विरसे दे अंदर, विरासत दे अंदर। बाज़ औकात मंडी अंदर वेच भी आउंदे, और कई ऐसे भी सन अपनी मतरेई मां नाल इहदा बेटा ही निकाह कर लैंदा। वैन कानू मिन कबलू लफी जलाल मुबीन। अल्लाह अंदा गुमराह सो, मेरे सोने ने तुहानू सीधी राह ते पाया है, इनकलाब ले आंदा है। किवें दा इनकलाब ले आंदा है? आपने फरमाया ओए कमले ओ, ए मावां वेचण वाली चीज नहीं, ए मावां वेचण वाली चीज नहीं, ए मापे वेचण वाली चीज नहीं, ए मापे वंडण वाली चीजा नहीं। अब आज तू मेरे कोल रहना है, दस दिन फलाने कोल रहना है, दस दिन वो छोटे दे बूए ते रहना है, अम्मी दस दिन मैं तेनू रख लवांगा ते दस दिन तू छोटे दे बूए ते रहना है। ओए ना ना, भले आए ते रब दियां रहमतां नी, इन्हां नू धक्का ना मारिया कर। ये मेरे नबी ने इनकलाब ले आंदा है। आपने फरमाया है ओ मेरी उम्मत दे लोगो, ये जिन्नू वेचदे हो, जिन्नू मंडी दा समान समझदे हो, ये मंडी दा समान नहीं, ये ते अल्लाह दी रहमत है। मुहब्बत नाल तकना तेरा कम है, एक पूरे हज दा सवाब अता करना मेरे रब दा कम है। फिर इस तरह मेरे नबी ने इंसानियत का एहतराम दसिया। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक तशरीफ फरमा ने जनाबे मुहम्मद रास्ते हमवार नहीं, रामा दे अंदर डाकू चोर ठग लुटेरे, किसे दी इज्जत महफूज नहीं, किसे दी जान माल महफूज नहीं। एक बंदा आया बाहरों कलमा पढ़न वास्ते, दूरों खलो के ना वेखन लग पिया भी ये जेड़े बंदे जिन्हें कलमा पढ़िया, माड़े माड़े गरीब गरीब, किसे दे पैरों में जित्ती कोई नहीं, किसे दे गल विच कपड़ा कोई नहीं, ते मैं इन्हां दे नाल रलन लगा ते मेरा की बनेगा। वड्डा बंदा सी, परें दा बंदा सी। अल्लाह अकबर। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एदे चेहरे दियां तारीरां पढ़ लईयां, आपने एदे चेहरे दे उत्ते जेड़े आसार सन उन्हां नूं पढ़िया। आप फरमांदे ने ओए आण वालिया की वेना, आंदा मैं वेना वा पिया, इन्हां कोल डंग दा आटा कोई नहीं, रात दा खाना कोई नहीं। माड़े माड़े बंदे जिहड़े मुसलमान होए ने इन्हां दे नाल रल के मैं अपने प्यो दादे दा दीन छड़ के आखरी नबी दा दीन मनन लगा, आबाई दीन छड़ के खुदाई दीन नूं इख्तियार करन लगा, मेरा किवें गुजारा होएगा इन्हां दे नाल। आप फरमांदे ने अदी सुन ले, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, फरमाया दी लोग जकात देने वाले
बंदा लब दे फिरणगे जकात लैण वाला को नजर नहीं आएगा। जकात देण वाले फिरणगे ते लैण वाला को नजर नहीं आएगा। जड़ी मैं दावत लांच की है ना, ये दावत ऐसी मुहब्बत वाली, ऐसे प्यार वाली, ये दावत एडी प्यारी है। फरमाया दी एक वक्त आएगा ऐसी खुशहाली होएगी, लोग ज़कात देंदे फिरणगे, लैण वाला बंदा नहीं लभेगा। ते दूसरी गल आपने फरमाया अदी ध्यान नाल सुन ले, एक वक्त आएगा एक औरत हीरा तो चलेगी, बड़ा दूर दा इलाका यमन दा इलाका, आपने फरमाया उतों चलेगी जेवरात नाल लदी होएगी, जेवरात ने पाए होंगे, आके बैतुल्ला दा तवाफ करेगी, अमनो अमान नाल वापस जाएगी, किसे बंदे अंदर जुर्रत नहीं होएगी अख चपके नू वेख लवे। एडा अमन ते एडा सुकून हो जाएगा। दो गल्लां ते तीसरी आपने फरमाया अदी जेड़ा मैं पैगाम लैके आया ना, वो पैगाम एडा सच्चा ते सुच्चा है, वो वक्त आएगा जदों कैसरो किसरा दा ताज आ जड़े मेरे सामने गरीब बैठे ने ना, इन्हां दे पैरां थले रगड़िया जाएगा। अदी आंदा है मैं दो गल्लां पहलियां ते मन लईयां ते आ तीसरी मनन नूं दिल नहीं सी करदा, यकीन नहीं सी आउंदा भी ये किवें हो सकदा। मैं ही कह दिया या इत्थों दा कोई बंदा कह दे भई रामपुरे दा या जल्लो मोड़ दा कोई बंदा वाइट हाउस अंदर जाके सदर बनेगा, किसे ने मनना? लोकां आखना कमल पिया मारदा है, झूठी गल पिया करदा है, ना काबले यकीन बात है। आदि आंदे ने पहलियां दो गल्लां मैं मन लईयां ते तीसरी गल ते यकीन नहीं सी आ रहा, लेकिन मौका बनिया मौका बनिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हजरत अदी रज़ी अल्लाह खुताला अनु आंदे ने मैं बैतुल्ला दे सेन दे अंदर बैठा वा, हीरा यमन तो एक औरत आई है, ये जनाब पूरा जिसम ये जनाब सोने नाल भरिया होया है, इस औरत ने जनाब जेवरात पाए हुए मलबूसात, जेवरात दे नाल लदी वधी आई है, इन्हें आन के पूरे मताफ का चक्कर लाया है, पूरे मताफ का इन्हें तवाफ किया है, और फिर यमन वापस चली गई है। किसे बंदे दे अंदर जुर्रत नहीं सी के इनू अक चुक के वेख लवे। और दूसरी गल आपने फरमाया सी अदी ओ भी ते वेला आएगा किसरो कैसरा दा ताज मेरे पे गरीब सहाबा दे पैरां दे अंदर होएगा। हजरत अदी आंदे ने ओना कासियां दे अंदर ओना मुजाहदां दे अंदर ओना जवाना दे अंदर ओना फौजियां दे अंदर मैं आप शामिल सा जिन्ना ने मदाए नो फता कीता है, और किसरा दा ताज मेरे नबी दे सहाबा दे पैरां दे थले आ गया। आंदे ने दो गल्लां जदों पूरियां होंदियां वेखियां मेरा दिल बुझ गया भी जड़ी तीसरी है वह भी पूरी होके रवेगी। मोमन दा यकीन ही होना चाहिए, ईमान ही होना चाहिए कि भाई चंद तारे अपना राह बदल सकते ने, सूरज मगरब वल्लो तलू हो सकते, लेकिन नबी पाक दी दित्ती हुई बशारत कदी झूठी नहीं हो सकती। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्ला अलैह दा दौर आया, लोग ज़कात देने वास्ते बंदे लभदे ने, मुस्तहिक गरीब लभदा ही कोई नहीं। और बाद रिवाया चेवें भी आंदा कि बाप रात नूं निकलिया ज़कात देने वास्ते कि मैं किसे नूं ज़कात देवां, जदों घरों निकलिया बाहर राह दे उत्ते बंदा कोई नहीं लभा, रात दा टाइम उहने सोचिया चल मसीते किसे दे दे आने आ, मसीते आया ते मसीते वेख्या एक बंदा नमाज पढ़न डिया, उहदे कोल ज़कात दे पैसे रख के टुर गया, सुबह पता लगा जिन्हों राती ज़कात दित्ती उहदे मेरा पुत्तर है।
एडी खुशहाली आ गई, ए इनकलाब आया ते नबी पाक दी वजह तो आया, आप सरकार दी तालीम दी वजह तो आया, आप दी तालीम दी वजह तो आया। आइए सुनिए अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया व इन कानू मिन कबल लफी ज़लाल मुबीन। अल्लाह फरमांदे ने मैं अपनी नेमत कीती है, करम कीता है, फजल कीता है, अपना एहसान कीता है, एहसान ने मुस्तफा, नेमत ने मुस्तफा, और फिर उस नेमत ने इनकलाब ले आंदा है, इनकलाबी इमाम, इनकलाबी पैगंबर जिन्हें मावा दी आन के कदर बना दीती है, जिदे इनकलाब की वजह तो रास्ते पर अमन हो गए, जिदे आन की वजह तो यतीमा नु हक मिलन लग पिया है, जिदे आन की वजह तो बेसहारा लोगों नु सहारा मिल गया है, जिदे आन की वजह तो अल्लाह पाक ने उन्हां मुसाफरां दी जनाब सफर नु आसान कर दिता है, जिदे आन की वजह तो अल्लाह पाक ने बच्चिया नु इज्जतां अता फरमाइयां, अल्लाह ने बच्चिया नु शाना अता फरमाइया, अजमत मुकाम अता फरमाया है, वरना वह भी तो एक वेला है, इस बच्ची नू मनहूस समझिया जाता है, बच्ची नू जिंदा दफन कर दिता जाता है, इस जमदी बच्ची नू जनाब मिट्टी दे अंदर मिट्टी बना दिता जाता है। मेरी गल नहीं, अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है, फरमाया कायनात दे लोगो इज़ा बुशीरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुसवद्दन फहुवा कदीम यतवारा मिनल कौमी मिलसु अयुम्सिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला सा मा यकुमून। अल्लाह फरमाते ने ओ कायनात दे लोग ऐसे बदनसीब सन, अखलाकी लिहाज नाल एडी पस्ती का शिकार सन, दीनी लिहाज नाल एडे बेदीन लोग सन। अल्लाह फरमाते ने इन्हां दे घर दे अंदर जदों खबर मिलदी अल्लाह पाक तेनू बेटी का बाप बनाने वाला है, अल्लाह तेनू बेटी अता कर दिती है, इन्हां दे मुखड़े ते चेहरियां दे उत्ते स्याहियां पै जांदियां, इन्हां दे चेहरे काले हो जांदे कि साडे घर बेटी होएगी, साडा भी कोई दमाद बनेगा, साडे घर के अंदर भी कोई जवाई बन के आएगा। नाउसु बिल्ला अस्तगफिरुल्ला। अल्लाह का कुरान आंदा या तवारा मिनल कौमी, ए लुकदा फिरदा छुपदा फिरदा, अपनी बरादरी तो लुकिया फिरदा है, अपने खानदान तो छुपया फिरदा है, अपना पिंड छड़ जांदा है। आयुम सिकू अलाहू निन, अपनी बेटी नू बड़ा मनहूस समझ अंदर दबा नहीं देंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने दावत लांच फरमाई, आपने इनकलाब ले आंदा है, आपने उन्हें लोगों के अंदर अपना जो दरस दिता है, फरमाया ओए कमलियो ओ भलियो मानसो, ये धियां जड़ियां ने इनू बायसे जामत ना समझो, इन्हां नू बायसे रहमत समझिया करो, इन्हां नू अल्लाह दी रहमत समझिया करो। हजरात सुनिए ध्यान नाल, आपने उन्हां नू पैगाम दिता है, लिल्लाहि मा मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इना सन वयहबुल मैया शाह उज़्ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा वयजअलु मैया शाह अकीमा इन्नहू अलीमुल कदीर।
अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने उन्हां लोगों के अंदर ऐसा सोहना पैगाम दिता है। सुबहान अल्लाह फरमाया लोगो कुरान सुन लो, ए मेरे सोने नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां बेटियां नूं दफन करन वालेयां दे अंदर जरा ऐलान फरमाओ ना कि लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, सारी कायनात दा बादशाह अल्लाह है, यखलुकु मा यशा ओ जिवें दी चाहे उवें दी वंड कर देवे, या बोले मैं यशा उ इनासन जे चाहे ते तियां ही तियां अता कर देवे, व या बोले मैं यशा उज़्ज़ुकूर जे मर्जियां ते आ जाए निरे बेटे ही बेटे अता कर देवे, औ युसव्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा जे अता करन ते आए ते रलवियां बारिशां पा छड्डे, इन्नहु अलीमुल कदीर। एक नानू रब इतना देवे, एक नानू रब इतना देवे, ओ बस बस करन जबानों ते कईयां नू फल लग लग छड़दा ते खाली जान जहानों। बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई नहीं, आज भी कई है ने ना, दो बेटियां पैदा होना तीसरी री आंदा तेनू तलाक, तेनू तलाक, मैं तलाक दिती मैं नहीं रखना, तू ते अजला तो बीमार है, तेरे घर बेटियां ही पैदा होनी है। और मैनू दस तेरी आकड़ तेरी करतूत मक्के दे काफरां नालों घट है, वो ते पैदा होने तो बाद दफन करदे सन, ते तू दे अल्ट्रासाउंड दा दौर है पहले ही पता लग जाए ते आंदा पहले ही खत्म करा दियो, तेरा जुर्म अबू जाल नालों वड्डा है। रब आंदा रिजक दियां डोरियां साडे कोल ने, खिलाण पिलाण वाले असी हां। ओए बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई नहीं, पाइया बेटियां बकरियां चार दियां, दसो नहीं सी शुएब दा दिल करदा, चखे लज्जत इस बहार दियां, ओनू कौन पूछे तुए की करने, एते मर्जियां रब गफार दियां, दर असल अकीदे दे कच्चियां ने, गल्लां समझियां नहीं किरदेगार दियां, इब्राहिम जे गोदी चो टुर जावे, मेरे नबी दा बेटा 16 महीनियां दी उम्र, इब्राहिम जे गोदी चो टुर जावे उनू रोक नहीं शाहे अबरार सकदा, झूठ बोल देने गलत आख देने कोई लेख विच मेख नहीं मार सकदा, हुंदी अकल टिकाने नहीं मुशरकां दी, हुंदी अकल टिकाने नहीं कमलियां दी, वरना कौन ते किसे नू की देंदा, मियां इन्ना मोया ने किसे नू की देना, जदों ना कोई जिउंदे जी देंदा, ना कोई पुत देंदा ना कोई धी देंदा, पुत्र शुएब नू जे ओ ना देवे नहीं ओ कर ओ रब अगे इसरार सकदा, झूठ बोल देने गलत आख देने कोई लेख विच मेख नहीं मार सकदा, क्यों भी पुत्र तियां देने वाला कौन है, अल्लाह। मक्के वाले आंदे सन इनू पैदा हुंदी नू ही दफन कर दियो, साडी गैरत है, गैरत झूठी गैरत दा शिकार। आप दी आमद तो पहले, आप दी आमद तो, आप दी तशरीफ आवरी तो पहले जड़ी कुरान दी खबर फरमाया, वैन कानू मिल कबलू लफी दलाल मुबीन, आप दी आमद तो पहले दी गल कर रहा वा, ये झूठियां गैरतां दा शिकार बाप अपनी बेटी नू जिंदा ही दरगोर कर देंदा, जिंदा दफन कर देंदा है। आन वाला आया मेरे सोने नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल, बड़ा जनाब
जनाब एक गोरा चिट्टा है, बड़े मजबूत कद वाला, बड़े मजबूत जिसम वाला, कुंगरियाले वाले देते गोरा चिट्टा रंग है, वो डेढ़ जी उम्र का बंदा है। इंज मेरे नबी दे सहाबा बैठे ने, मैं बात मुका रहा वा, जरा तवज्जो फरमाना है। मेरे नबी ने इनकलाब किवें लिया है? तालीमी लिहाज के नाल, अखलाकी लिहाज के नाल, उन्हां लोगों के अंदर किवें आपने तब्दीलियां पैदा फरमाइया ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी दे सामने आके खड़ा हो गया है। इन्हें सोचा होगा जेने दा एवे कि नबी वो होएगा जिहड़ा उच्ची जगह ते बैठा होएगा, किते उच्ची जगह ते जनाब मंजी ला के बैठा होएगा, इहदे आसे पासे मुरीद बैठे होणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जदों आपके कोल आया है, सहाबा किराम मेरे नबी दे आस पास बैठे ने, ये पहचान नहीं सकिया, जनाब मुआजना नहीं कर सकिया कि कौन है अल्लाह का नबी, इन्हां चो कौन है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर वेख वेख के वेख वेख के जिवें को बंदा दावत ते वलीमे ते बाहरों जाए, ये सियाण दा किहड़े टेबल दे उत्ते मेरे साथी बैठे है, कित्थे मेरे जानण वाला को बैठा उहदे कोल बह जावां, ये बेऐन ही है बंदा सियाणण डिया सियाणण डिया। जदों नहीं सियाण सकिया नहीं पहचान सकिया, आखिर बोल के आंदा अय्युकुम मिनकुम मुहम्मद। ओ यार मैनू दसो तुहाडे विचों मुहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने मैं अल्लाह दा नबी हाँ, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। आंदा उब सुत यादा का या मुहम्मद, अपना हाथ अगे करो, मैं तुहाडे मुरीद होण दा ऐलान करना चाहना। अल्लाह दे महबूब मैनू दसो, मैं तुहाडे कारकुन होण दा वर्कर होण दा किवें ऐलान करा, तुहाडी मुरीदी दा किवें इजहार करा। आप फरमांदे ने कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए अल्लाह दिया बंदिया, एक कल्ला दी दावत नू मन ले, अल्लाह दी तौहीद नू मन ले, मेरी रिसालत नू मन ले, मैं अल्लाह दा नबी हां ते अल्लाह कल्ला ही वहदहु ला शरीक है। ओदा कोई जिन फरिश्ता ओदा शरीक नहीं, कोई नबी वली ओदा शरीक नहीं, कोई ओदा महबूब ओदा बंदा ओदा शरीक नहीं, ते मैं अल्लाह दा आखिरी रसूल हां। इस बंदे ने आपके हाथ उत्ते हाथ रखिया, वाह सुभान अल्लाह। यार किड्डे मुकदरा वाला बंदा है जिन्हें मेरे नबी दे हाथ उत्ते अपना हाथ रखिया हो, इंज हाथ उत्ते हाथ रखे। आंदा अल्लाह दे नबी जी मैनू एक गल ते दसो। आप फरमांदे ने पुछ भाई की पूछना चाहना है, की सवाल करना चाहना है। आंदा महबूब पाओ कलमा ते पढ़ लेना, मेरे पहले गुनावां दा की बनेगा, मेरे पहले ऐबां ते वैलां ते पापां दा की बनेगा। आप फरमांदे ने इस्लाम एडा सुचा दीन है, जिहड़ा बंदा कलमा पढ़ लैंदा है यहदीमु मा काना कबलहु, अल्लाह उहदे पुराने सारे पाप धो के रख दिंदा है। जिहड़ा सच्चे दिलों कलमा पढ़ लैंदा है इहनूं तसल्ली नहीं होई, आंदा मेरे ते गुनाह ही बहुत ज्यादा ने। फरमाया भावें पहाड़ां जिन्ने क्यों ना हो, आंदा नहीं नहीं सुने, मेरे दिल नूं तसल्ली नहीं हुंदी, जब तक मेरी कहानी नहीं सुनोगे तां मेरा दिल हौला होएगा, मेरा बोझ हल्का होएगा। आप फरमांदे ने सुना भी अपनी कहानी, ये भी मेरे नबी दा अखलाकी पहलू है। ये नहीं आख्या कि मेरे कान नहीं खाने, तेनू मैं बार बार समझा डेआ, बार बार तेनू मैं मसला दसन डेआ। उलमाए किराम दे अंदर अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेहतरीन सीरत है, और दे अंदर मेरे नबी का बेहतरीन किरदार है। आइए आपका एक जनाब किरदार अपनाइए, अज भी तेन शाना मिल सकती ने, अज भी तेन मुकाम ते इज्जत मिलेगा, आप दे इनकलाब नू मनेगा, दावत नू मनेगा। मेरे नबी ने फरमाया सुना अपनिया गल, आंदा सोने कलमा ते पढ़ लेना वा, पर मेरी एक गल सुनो, मेरे सामने गुनावा दिया लिस्टा आन गई, फलां जगह ते मैं फलां बुत नू सजदा किया, फलां जगह ते बदकारियां ते सिनाकारियां कीतियां, फलां जगह दे उत्ते मैं शराबां दियां मजलसां अजनियां जनाब इन्हां दे अंदर गए, और इहदे तो बड़ा गुनाह जिहड़ा मैनू जनाब बार बार तंग करदा है। अल्लाह दे नबी जी मैं कई अपनियां बेटियां अपने हाथी जिंदा ना पाया वा,
आप फरमाते ने कोई गल सुना जी सुनाना चाहने आंदा अल्लाह दे नबी जी आखरी बेटी मैं सफर ते गया मैं अपनी बीवी नू आखिया अल्लाह वालिए अगर अल्लाह पुत्र देवे सोना नाम रखी चंगा खिलाना चंगा पिलाना बात मुख्तसर बड़ी तुसा पहले बात सुनी है मैं इशारा तन समझाना चाहना कि कैसा दौर कैसा अखलाकी पस्ती का शिकार वो लोग मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम नू आंदा है अगर बेटी पैदा हो मैं अपनी बीवी नू आखिया इनू जिंदा गड़े दे अंदर नप देवी दफन कर देवी आ मैं सफर ते चला गया जदों मैं वापस आया मैं अपना पैर घर अंदर पाया है सामने एक बच्ची रड़दी कुड़दी इन्हे मेरा पैर वेख्या ते मुस्कुराण लग पई ते मम्मी हसन लग पया तिया का अल्लाह ने यही वादा रखे है वह तिया इंज प्यार ना करन ते इन्हां नाल मुहब्बत कौन करेगा बेटियां एवं मुहब्बत ना करन ते इन्हां नूं कौन सीने लाएगा। हुण तुसीं सोचोगे भी एक बंदा सफर ते टुरिया वापस आया बच्ची पैदा भी हो गई रिड़न और भाई ये सफर नहीं सी भी सवेरे टुरो तो शाम नूं इस्लामाबादों घर है सवेरे फैसलाबाद गया शाम नूं सौदा लैके घर नहीं सफर ते टुरिया साल लंघिया दो लंघ तीन लंघ सर्दियां राह विच लंघ गईयां अगलियां गर्मियां च वापस आया गर्मियां नूं टुरिया सर्दियां लंघ गईयां अगलियां गर्मियां च वापस आया एडे लंबे सफर हुंदे सन सानू ते अल्लाह ने इन्नियां आसानियां कर दित्तियां सी उहदा दित्ता खा के उहदियां नेमतां ढा के भी रब दी नशुकरी करने आ आंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मैं रात नूं वापस आया मैं अपने घर के अंदर कदम रखिया मेरी बेटी हसन लग पई मैं भी मुस्कुराण लग पाया वक्त थोड़ा जा गुजरिया मैं अपनी बीवी नूं पुछिया अल्लाह ने पुत्र दिता है या अल्लाह ने धी दिती है ए बीवी मेरी कहन लगी तुसी खाना खाओ मैं दसनी आ हुण अचानक इहदे ज़हन अंदर ख्याल आया बीवी दे ए शकीउल कलब बंदा है ए ते मेरी बेटी नूं जिंदा नप देवेगा मेरे कोल ते बर्दाश्त नहीं सी होया हुण मेरी बेटी नहीं बचेगी आखिर ने पूरी गल सुना दिती है ये बेटी अपने बाबे नाल मोहब्बत कर दी है महीना तो गुजरे ये बंदा चौधरियां दी परे में चला गया परे दे विचों इनू उठा दिता गया है आंदे जिहड़ा ती दा बाप है जिहदे घर अंदर बेटी पलदी ओह साडी परे दा हिस्सा नहीं बन सकदा ये साडा उसूल ते कानून है ये बड़ा शर्मिंदा होया इहदे दिल दे अंदर बुराई दे जनाब तूफान उठन लग पए अंदर कतल का इरादा बन गया है अलगरद ने बच्ची नू नाल ले आए जंगल बिया बाण दे अंदर आंदा महबूबा मैं टोया कढ़िया है टोए दे अंदर बच्ची नू रखी है इहदे उत्ते मिट्टी पानी शुरू कर दिती आंदी है अप्पू मेरे वाला अंदर कट्टा पै गया मेरे उत्ते मिट्टियां पै गई इहदे सांप उखड़ने शुरू हो गए महबूबा अज मैं अप्पू नहीं रहा मैं ते जान दा दुश्मन बन गया इहनू नहीं पता मेरा दिल पत्थर तरह सख्त हो गई है अल्लाह दे नबी जी इन्हे आखरी हिचकियां लईयां मैं इन्हू जनाब तोड़ मरोड़ के इन्हू मिट्टी दे अंदर दफन कर दिता है अज जदों तुसी पैगाम दिता है अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुनाया है ए गल मऊदा तुसु इलात बे आई संबिन कुतिलत ए गल मऊदा तुसु इलात बे आई संबिन कुतिलत अल्लाह क्यामत आले दिन ए जिंदा दफन कीती बच्ची नूं उठा के पुछणगे अल्लाह फरमाणगे दस तेरा की जुर्म सी की तेरा कसूर सी अल्लाह जुर्मां दी हद नूं ते पहुंची कोई नहीं मेरी ते उम्र ही थोड़ी जई मेरे बाप ने जवान ते होण ही नहीं दिता मैं कसूर की करना है मैं जुर्म की करना है मेरे बाप नूं पुछो अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं आंदा सुनिया ए जदों ऐतां सुनिया ने हुण मेरे दिल नूं
तसलियां नहीं हो रही हूं। जरा फरमाओ ना, अल्लाह मैनू माफ करेगा या नहीं करेगा? अल्लाह दे नबी दी रो रो के हंजवा नल दाड़ी तार हो गई। फरमाया यार बड़ा जुलम करके आया है, बड़ा भैड़ करके आया है, बड़े पाप करके आया है। आसमान दे रब ने मेरे नबी को जबरील नू कल दिता है। फरमाया जबरील मेरे नबी नू दस दे ओ, मेरा नबी कदी इनू अपने बूहे तो दुदकार ना देवे, अपने दरे रहमत चो कढ ना देवे। फरमाया मेरे नबी नू दस दे ओ, ए सच्चे दिलों तुहाडा मुरीद बन जाए, अल्लाह दी तौहीद नू मन लवे, अल्लाह पाके दे सारे ही गुना माफी अंदर बदल देणगे। इनकलाब लिया है मेरे नबी ने। सब तो वड्डा इनकलाब है कि इंसानियत नू इज्जत मिली है, और बच्ची नू इज्जत मिली है जिन्हों जिंदा दफन किया जाता। फरमाया जरा इसकी तरबियत करेगा, तरबियत करना तेरा काम है, जन्नत अंदर परोस देना रब का काम है। इंसानियत नू इज्जत मिली है, जड़ी मां नू वेचदे सन उहदे पैरां थले जन्नत रखी है। अल्लाह पाक अज भी सानू वकार ओ नबी पाक दी दावत नू समझण दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।